हार्ट अटैक से अभिनेत्री का निधन, पास के हॉस्पिटल ने किया एडमिट करने से इनकार। बॉलीवुड अभिनेत्री शकीला का बुधवार शाम को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभिनेत्री के निधन की खबर उनके भांजे नासिर खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पुष्टि करते हुए खेद व्यक्त किया है। बता दें कि शकीला 50 और 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थीं, जिनका मुंबई में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बुधवार दोपहर को अभिनेत्री शकीला को बांद्रा स्थित घर पर हार्ट अटैक आया तो उनको पास ही के एक जाने माने हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां तुरंत अभिनेत्री को एडमिट करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद अभिनेत्री को घर से काफी दूर जुहू स्थित आरोग्य निधि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभिनेत्री शकीला कभी मरीन ड्राइव स्थित फेमस आर्ट डेको बिल्डिंग गोविंद महल में रहती थी, लेकिन जब 1991 में उनकी बेटी मीनाज ने सुसाइड कर लिया तो वो मरीन ड्राइव से बांद्रा चली आई और यहीं पर रहने लगी। उन्होंने एक एनआरआई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से शादी की थी, जबकि शकीला की बहन अभिनेत्री नूर ने मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर से शादी की थी। एक वक्त ऐसा भी था कि जब वहीदा रहमान, नंदा और जबीन जलील के साथ शकीला की दोस्ती के चर्चा बॉलीवुड में हुआ करते थे। वो जिंदगी के आखिरी सालों में अभिनेत्री सायरा बानो और आयशा पारेख के संपर्क में थी। अगर अभिनेत्री शकीला की फिल्मों की बात करें तो उनको गुरुवार द स्टारर आर पार 1954, सिद 1956 और शमी कपूर स्टारर चाइना टाउन 1962 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था, और उन्हें पर फिल्माया गया गाना बाबूजी धीरे चलना जबरदस्त हिट रहा है, जो आज भी कई लोगों की जुबान पर दौड़ रहा है।